A Triumph of Surgery Class 10, Question Answers। so, hello guys. आप सबका स्वागत है मेरे चैनल Class 10, English Study पर। तो आज हम फुट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन वाई इज मिसम्फरी वरिड अबाउट ट्रिकी मिसेस पंफरी को ट्रिकी की चिंता क्यों हो रही है तो इसका आंसर है मिसेस पंफरी इज वरिड अबाउट ट्रिकी बिकॉज इट इज नॉट ईटिंग एनीथिंग इट जिसके लिए एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है तो जो ट्रिकी है वो कुछ भी नहीं खा रहा है ऑल्सो रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फेवरेट डिशेज ट्रिकी की जो फेवरेट डिशेज है मतलब जिन चीजों को खाना पसंद करता है चॉकलेट केक्स वगैरह वो उन चीजों को खाने से भी ट्रिकी मना कर रहा है इट इज ऑल्सो वॉमिटिंग ट्रिकी जो है वो उल्टियां भी कर रहा है वॉमिट भी कर रहा है एंड एस पेंटिंग पेंटिंग का मतलब होता है ब्रीदिंग हैवीली सांस लेने में ट्रिक, ट्रिकी को परेशानी हो रही है रिफ्यूजिंग टू गो ऑन वॉक्स एज वेल और बाहर चलने के लिए भी मना कर रहा है

एडमिट कर दिया जाए हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए यस ही यस ही नहीं यहां पर ही ही नहीं यहां पर शी होगा क्योंकि पूछा गया क्या वो वाइज समझदार थी जब उन्होंने डिसीजन लिया यस शी वाइज इन दिस बिफोर वाइज इन दिस बिफोर एज दिस वॉज दी ओनली सोल्यूशन टू ट्रिकी इज प्रॉब्लम हाँ जो मिसेज पंफरी थी वो वाइज थी समझदार थी क्योंकि ट्रिकी की जो परेशानी थी उसका यही एकमात्र सोल्यूशन था यही एकमात्र उपाय था जिससे ट्रिकी ठीक हो सकता था ठीक है अब बारी ये क्वेश्चन नंबर थ्री हु डज आई रेफर टू

जो, जो मालकिन कौन मिसेस पम्फ्री जितने अमीर नहीं है वी कुड प्रूव or बिलीव राइट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट हम ये बात आ, हमने जो बात बोली है कि नरेटर उतने अमीर नहीं है ट्रिकी के मालकिन मतलब मिसेस पम्फ्री जितने अमीर नहीं है तो हम ये बात प्रूव

जबकि दूसरी ओर जो रिच मिस्ट्रेस हैं मिसेस पंफरी उनके घर में बहुत सारे नौकर रहते थे जो ट्रिकी का ख्याल रखते थे ही आर डिफरेंट बोल्स ट्रिकी के जो तीनों मील्स हैं उनके लिए अलग अलग बोल्स तीनों मील्स कौन कौन सी ब्रेकफास्ट के लिए अलग बोल इस्तेमाल किया जाता था लंच के लिए अलग बोल इस्तेमाल किया जाता था ट्रिकी का और डिनर के लिए अलग बोल इस्तेमाल करते थे ठीक है ट्रिकी के लिए ट्रिकी ही ऑल्सो हैड इज वॉर दे एर फुल ऑफ कोट फॉर डिफरेंट वेदर्स एंड ऑल्सो हैड रेन कोट फॉर मॉनसून अब जो ट्रिकी की जो है अपनी खुद की अमीरा थी वॉर ड्रॉप था मतलब जिसमें ट्रिकी के कोच्स रखे थे जो वो अलग अलग वेदर्स में अलग अलग कोर्ट पहना करता था ट्रिकी ये सब मिसेज पंफरी ने खरीद के वेदर्स ठीक है डब्ल्यू टी एच ई आर एस एंड ऑल्सो हैड रेन कोट और ट्रिकी के पास रेन कोट्स भी थे मानसून के लिए ठीक है टॉयज फॉर प्लेइंग एज वेल और खिलौने खेलने के लिए भी थे ट्रिकी के और ये सब मिसेज पंफरी ने उसे प्रोवाइड करी ऑल्सो प्रोवाइडेड द डॉग विद केक्स एग्स कार्ड लेवर ऑयल एक्सेट्रा वो केक्स भी खिलाती थी एग्स भी खिलाती थी मतलब बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता था ट्रिकी का ठीक है तो ये कोई अमीर आदमी ही कर सकता है अब क्वेश्चन नंबर इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट अब आ, जो है जो डॉक्टर है जेम्स हेरियड वो टेम्प्ट क्यों जाते हैं उनका अब आ, जो डॉक्टर हैं जेम्स हेरियड उनका मन जो है वो ललचा गया था क्यों ट्रिकी को अपने पास रखने के लिए लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसका आंसर ये है ही स्ट्रीटेड ही स्टेपटेड जो ही uh, मतलब डॉक्टर जेम्स हेरियट जो है वो उनके मन में लालच भर गया ताकि वो ट्रिकी को अपने साथ ही रख ले एक परमानेंट गेस्ट की तरह ठीक है मतलब अपने साथ ही रखे टू एंजॉय लग्जरीज ऑफ लाइफ लाइफ की मतलब जीवन की लग्जरीज का लुफ्त uh, लुफ्त उठाने के लिए एज द मिस्ट्रेस वुड सेंड टू डजन ऑफ एग्स क्योंकि जो मालकिन ट्री ट्रिकी की वो ट्रिकी के लिए क्या भेजवाती थी और ट्वेंटी फोर एग्स भिजवाती थी एट अ टाइम एक समय पर वाइन भी भिजवाती थी मतलब शराब और ब्रांडी भी भिजॉ करती थी टू एनरिच ट्रिकीज ट्रिकी के लिए एग्स भी जो करती थी वाइन और ब्रांडी भिजॉय करती थी लेकिन अगर वो डॉक्टर जो है ट्रिकी को ये सब कुछ खिलाते थे तो ट्रिकी तो वापस क्या हो जाता मोटा हो जाता इसलिए डॉक्टर जो थे डॉक्टर और उनके जो दोस्त जो बाकी डॉग्स की देखभाल करने में डॉक्टर की मदद करते थे तो वो सब वो सारे एग्स खाते थे उस वाइन को भी कंज्यूम करते थे और ब्रांडी का भी मजा उठाते थे ठीक है तो इसलिए वो ट्रिकी को अपने साथ रखना चाहते थे कौन डॉक्टर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज मिसिज पम्फरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रियम्प ऑफ सर्जरी मिसेज पंफरी क्यों समझती है कि जो डॉग की रिकवरी है मतलब जो डॉग जिंदा बचा है मोटे से पतला हुआ है एक हार्ड मसल एनिमल बन चुका है जो डॉग वो क्या है ट्रियम्प मतलब जीत है किसकी सर्जरी की ट्रियम्प ऑफ सर्जरी किसकी जीत है सर्जरी की जीत है तो मिसेस पम्फ्री ऐसा क्यों सोचती है तो इसका आंसर है मिसेस थिंक्स द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रियम्प ऑफ सर्जरी बिकॉज ये तो क्वेश्चन उठाया गया फ्रॉम नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग थिंग वॉमिटिंग ब्रीथिंग हैवीली नॉट गोइंग ऑन वॉक्स ट्रिकी नाउ ट्रांसफॉर्म टू ट्रिकी इज इज ओ यहां पर तो इसका मतलब है क्योंकि ट्रिकी जो था खाना वो नहीं खा रहा था उल्टिया कर रहा था बहुत ही जोर से ब्रीदिंग कर रहा था मतलब सांस लेने की भी ट्रिकी को प्रॉब्लम हो रही थी नॉट गोइंग नॉट गोइंग ऑन वॉक्स और ट्रिकी को चलने का भी मन नहीं हो रहा था यहां से अब ट्रिकी ये कुछ समय पहले था लेकिन हॉस्पिटलाइज होने के बाद अब ट्रिकी किस Uh, कैसे बन चुका था एक हार्ड मसल एनिमल उसकी जो मसल्स थे वो हार्ड हो चुके थे ट्रिकी के वो गुड फाइट फॉर ए शेयर लाइक अ टाइगर और वहां पे वो क्या सीख गया था कि अपने शेर के लिए अपने खाने के लिए वो शेर शेर की तरह लड़ जाता था कौन ट्रिकी सच रैट्स एज वेल और चूहे ढूंढकर मारना सीख गया था मतलब एक बहुत ही वेल ट्रेन्ड डॉग बन चुका था ट्रिकी ठीक है तो ऐसा डॉग बनना को ही इसलिए कहा गया ट्रियम्प सर्जरी इसका एक और आंसर हो सकता है ट्रियम्प मतलब सर्जरी की जीत मतलब मिसेस मिसेस को ऐसा लग रहा था थिंक्स दैट दैट द डॉग हैड हैड बीन बीन ट्रीटेड बाय अ सर्जरी बाय मिस्टर जेम्स इसका मतलब जो डॉग किस चीज से ठीक हुआ है एक सर्जरी से और वो सर्जरी किसने करी है मिस्टर जेम्स हेरियट ने करी है ऐसा लग रहा था कि माल किनको मालकिन को किसकी मालकिन को ट्रिकी की मालकिन को लेकिन उन्होंने कोई भी सर्जरी नहीं की थी ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज ही ट्रीटेड द डॉग उन्होंने डॉग का कैसा ट्रीटमेंट करा मिस्टर जेम्स हेरियट ने ही प्रोवाइड्स हिम विद नो फूड फॉर टू डेज दो दिन तक तो उन्होंने कुछ खाना नहीं दिया टिकी को बस बट जस्ट गेव हिम प्लेटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक लेकिन दो दिन तक कुछ खाना नहीं दिया और खाली पानी दिया ट्रिकी को पीने के लिए एट द थर्ड डे ही वॉज जस्ट लिकिंग द बोल्स एस फूड बीन कंज्यूम बाय अदर डॉग्स तीसरे दिन ट्रिकी थोड़ा मूवमेंट दिखाने लग गया था लेकिन तीसरे दिन जब खाना प्रोवाइड किया गया तो ट्रिकी इतना फास्ट नहीं है दूसरे डॉग्स की तरफ जल्दी जल्दी खा ले बाकी डॉग्स ने तो खा लिया और ट्रिकी के लिए क्या बचा खाली बोल्स बचे तो खाली बोल्स जो है उनको चाटकर ट्रिकी वापस हो गया एस फूड बीन है जो खाना है वो बाकी डॉग्स ने खा लिया था तो नेक्स्ट डे दूसरे दिन ट्रिकी के लिए एक अलग खाना तैयार किया गया तो ऐसे जो है डॉग का ट्रीटमेंट हुआ पहले के दो दिन दो उसे कुछ खाना नहीं दिया पानी दिया जब तीसरे दिन उसने थोड़ी मूवमेंट दिखाई तो उसे खाना खाने को मिला नहीं क्योंकि वो उतना फास्ट नहीं था जितने बाकी डॉग से खाना खाने के मामले में और अगले दिन ट्रिकी के लिए एक अलग मील तैयार करी गई ठीक है अब थिंक अबाउट इट के क्वेश्चन आंसर्स तो क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर वेटनरी सर्जन इज आपको कैसा इंसान लगता है वेटनरी सर्जन जेम्स हेरियट आपको कैसे इंसान लगते हैं वो जिसे ही स्टेक्टफुल क्या आप कहेंगे वो समझदार है चालाक है एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस और उनके अंदर कॉमन सेंस भी है अब इसका आंसर है आई थिंक द नरेटर इज अ वेरी स्किलफुल एंड अ वेरी सेंसिबल पर्सन मुझे लगता है नरेटर बहुत ही समझदार हैं और उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं एज सेंसड इजली क्योंकि उन्हें ये बात पता चल गई कि ट्रिकी की सबसे बड़ी परेशानी क्या थी ओवर रीडिंग वो ज्यादा खाना खा रहा था एंड कन्वेड इट वेरी ब्यूटीफुली और उन्होंने ये बात सुन बहुत ही अच्छी तरीके से मिसेज पम्फ्री को भी बता दिया था आई ऑल्सो थिंक बाई सम ऑफ द लाइन्स डेट ही वॉज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट एज वेल ही वॉज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट काफी लाइनों से यह भी पता चलता है काफी जो स्टोरी है उनकी लाइनों से यह भी पता चलता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे कौन इंटेलिजेंट थे डॉक्टर जेम्स हेरियर जनरेटर है वो ठीक है वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे एज ही न्यू दैट आफ्टर सम डेज द डॉग्स कंडीशन वुट क्योंकि उन्होंने चैप्टर में पहले ही स्टोरी में पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था पहले ही मतलब भविष्यवाणी कर दी थी कि अब इसकी कंडीशन और खराब होगी डॉग की और वैसा ही हुआ और उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि अब मिसिस पम्फ्री का कॉल उन्हें कुछ दिनों बाद आएगा और वो कॉल भी आया तो हम कह सकते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट

डॉग ठीक है कि उस डॉग को अपने खुद ही खाना ढूंढना पड़े जैसे डॉग के कर रहा था चूहे मारने जा रहा था बाकी डॉग्स के साथ तो यहाँ पर उसे खुद खाना ढूंढना पड़ रहा था जिससे उसकी काफी हद तक एक्सरसाइज भी हो जा रही थी ठीक है तो यह है इसका आंसर ठीक है तो अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर